नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय है, तो हमें संघर्षमय जीवन से कैसे उभरना है? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। बिना किए जे जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार कोशिश करते रहोगे, ट्राई ट्राई अगेन यू गेट सक्सेस। अगर आप बार बार कोशिश करते रहोगे तो आप बिल्कुल, और दोस्तों अपनी आदतों को बदलिए। अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो आपकी आदतें जो हैं एक दिन आपका भविष्य बदल देगी। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप अपनी आदतें बदलिए, आप अपने भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदलिए। और आप अगर अपनी आदतें बदल दोगे तो एक दिन आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देती। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीवन जो है सभी के संघर्ष के साथ शुरू होता है, और दोस्तों जीवन ही संघर्ष है। कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, उस कठिन परिस्थितियों का सामना हमें कैसे करना है, धैर्य रखना है, अपना मनोबल बढ़ाए रखना है, धैर्य रखना है और धैर्य के साथ अपने कार्य को स्ट्रेटजी के साथ आगे करना है। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, वो कहानी है हिरण की। दोस्तों, एक जंगल है और जंगल में आग लग रही है, और दोस्तों एक हिरण जो है वो गर्भिणी है। गर्भिणी हिरण उस जंगल की आग से छुटकारा पाते पाते दौड़ती है, भागती है, चलती आगे। दोस्तों, वो उस आग से बचना चाहती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि दोस्तों वह एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वह अपने आप को सेफ महसूस करती है, क्योंकि वह आग जो है वह नदी के पानी के अंदर नहीं आ सकती थी। अब दोस्तों होता क्या है, दोस्तों हिरण जो है गर्भिणी है, वह अपने बच्चों को जन्म देना चाहती थी, वह अपने बच्चों को एक सेफ आवास देना चाहती थी, वह उन अजन्म बच्चों को इस संसार में लाना चाहती थी। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, हिरण जब मुड़ के देखती है तो एक शिकारी जो है बंदूक ताने हुए हिरण की तरफ होता है, और हिरण की तरफ बंदूक ताने हुए खड़ा रहता है। इस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, दूसरी तरफ जब हिरण वापस देखती है तो एक शेर जो है वो अपनी ताक के साथ बैठा हुआ था, यानी कि वो भी हिरण की तरफ आक्रमण किए हुए बैठा हुआ था। अब दोस्तों हिरण क्या करें, बेचारी आगे जाए तो नदी, पीछे जाए तो शिकारी, इधर जाए तो शेर। दोस्तों इस समय में हमें क्या करना चाहिए, या हिरण क्या करती है, हिरण ने सोचा कि मैं क्या मेरे अजन्मे बच्चों को मैं जन्म दे पाऊंगी। उस तुरंत तत्कालीन कंडीशन में हिरण को सिर्फ उस परमात्मा का एहसास हुआ, और उसने अपने दिल से, अपने हृदय से उस परम पिता परमात्मा को याद किया। थोड़ी देर के लिए हिरण ने साहस रखा, धैर्य रखा, और हिरण जब पीछे की ओर मुड़ी, हिरण ने बड़ी ही कर्कश नज़रों से उस शिकारी को देखा, शिकारी भी तिलमिला उठा। दोस्तों जैसे ही हिरण ने उस परमपिता परमात्मा को याद किया कि अब मेरी जान, मेरे बच्चों की जान अब आपके हाथ में है, कृपया करके मुझे बचाएं और मेरे इन अजन्म बच्चों को इस संसार में आने का मौका दीजिए, तो दोस्तों उस परमपिता परमात्मा ने, उस ईश्वर ने तुरंत हिरण के ऊपर किस प्रकार उपकार किया। दोस्तों ये स्टोरी आपको सुनकर आश्चर्यचकित लगेगी, क्योंकि दोस्तों संघर्ष में किस तरह से हिरण ने धैर्य रखा और उस स्ट्रेटजी के साथ हिरण खड़ी रही शिकारी के सामने। एक तरफ उधर शेर है, एक तरफ शिकारी है, एक तरफ नदी है और एक तरफ संघर्ष की स्थिति में खड़ी हुई हिरण है, और जो कि गर्भावस्था में। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, जैसे ही शिकारी उधर से बंदूक तानता है, तो दोस्तों जो जंगल में जो आग लग रही थी, उस जंगल की आग की जो चिंगारी है शिकारी की आंख पे लगती है, और शिकारी तिलमिला उड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों शिकारी तिलमिला उड़ता है और वह अपना आपा खो देता है। उसी समय जब शिकारी ने जो बंदूक तान रखी थी उसका निशाना चूक जाता है, और दोस्तों वह जो निशाना है वो शेर को लग जाता है, और शेर वहीं घायल हो जाता है, अचेत हो जाता है। देखिए दोस्तों परिस्थितियाँ कितनी जल्दी बदल जाती है, हिरण जो है अब सेफ कंडीशन में आ जाती है, उधर से शिकारी है वो भाग जाता है, इधर जो शेर है वो भी मर जाता है।
दोस्तों इस कंडीशन में हिरण उस परम पिता परमात्मा को याद करती है और उनका धन्यवाद करती है। तो दोस्तों हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही और धैर्य और साहस ही हमारे जीवन के बहुत ही बड़े अमूल्य उपहार हैं और सबसे बड़े गहने हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखिए, साहस रखिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए कोई जय जयकार नहीं होती। तो लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, ट्राई ट्राई अगेन, यू गेट सक्सेस।